नमस्कार, निराला कंस्ट्रक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर प्रभात कुमार सिंह। दोस्तों, बहुत सारे लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि आखिर वो अपने घर का काम को अगर छत के ढलाई तक करवाते हैं तो उनका टोटल कितना बैग सीमेंट है वो लग सकता है। और आप इस चीज़ को बहुत अच्छा तरीक़े से समझ पाए, इसलिए मैं आप लोग को एक बनते हुए घर के लिए जो छत के ढलाई तक का काम किया गया है इसके बारे में बताना चाहता हूँ। पहले तो इसका जो काम किया गया उसके बारे में बताऊँगा और साथ में इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना बैग सीमेंट लग चुका है इसके बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। तो अगर आप भी अपने बनने वाले घर के लिए प्लानिंग कर रहे हो या फिर बना रहे हो, आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको अंदाज़ा चल जाएगा कि आपको अपने घर का काम को किस तरीके से कराना है और आपका टोटल कितना बैग सीमेंट लग सकता है छत के ढलाई तक, इसके बारे में भी आपको एक अंदाज़ा हो पाएगा। तो चलिए पहले काम को देखते हैं, साथ में जानेंगे कितना बोरा तक सीमेंट लग चुका है। दोस्तों, इस बनते हुए घर के बारे में बहुत अच्छे तरीके से आप समझ पाए, इसलिए सबसे पहले मैं आप लोग को इस बनते हुए घर के लिए जो साइज़ रखा गया है इसके बारे में बताना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ। तो इस घर के लिए जो साइड व्यू है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक 40 फीट रखा गया है, और जो फ्रंट व्यू और उसके साथ साथ जो बैक व्यू है वो 30 फीट का रखा गया है यहाँ से लेकर यहाँ तक। स्क्वायर फीट की बात कर लिया तो लगभग 1200 स्क्वायर फीट में इस घर के लिए काम को किया जा रहा है। हालांकि साइड की तरफ लगभग 3 फीट के आसपास तक का यहाँ पे एक्स्ट्रा छज्जा भी निकाला गया है। इस घर का अगर फर्श का ऊंचाई के बारे में बात कर लिया जाए, चूँकि फर्श का ऊंचाई अगर आप कम रखते हो आपका मटेरियल कम लगता है, खर्च आपका कम लगता है, तो ग्राउंड के लेवल से लगभग आप देखिएगा तो लगभग 4 फीट के आसपास तक का ऊँचाई यहाँ पर प्राप्त है वो किया गया है। यहाँ से आप एक चीज़ और सीख सकते हैं कि जो घर के लिए जो फर्श का ऊंचाई होता है अगर 3 फीट से ज़्यादा रखना है तो आपको डबल बीम प्रोवाइड करना होता है या फिर एक बीम और डीपीसी आपको प्रोवाइड करना होता है। इसीलिए यहाँ पे आप देखिएगा तो सपोर्टिंग बीम यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है, ये देख पा रहे हो 9 इंच बाई 9 इंच का। उसके साथ ये जो इस घर के लिए जो फर्श का लेवल है उस लेवल पर डीपीसी का भी काम यहाँ पर किया गया है, आसानी के साथ आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से आपका भी 4 फीट का अगर करना होगा घर के लिए फर्श का ऊंचाई आपको, तो इस तरीके से सपोर्टिंग बीम और डीपीसी के साथ आप काम करवा सकते हो। बजट जाता है अगर 4.5 फीट तक भी आपको ले जाना है तो फिर आपको डबल बीम प्रोवाइड करना होगा। इसके साथ साथ जो घर के लिए जो खिड़की का काम किया गया है, अगर बहुत अच्छा खिड़की लगाते हैं तो मटेरियल आपका ज़्यादा लगता है, सीमेंट और उसके साथ साथ बालू गिट्टी सरिया वगैरह ज़्यादा लगता है। लेकिन यहाँ पर जो देख पा रहे बिल्कुल सिंपल वे में साइड का काम और बैक और फ्रंट में हालांकि एक विंडो लगाया गया जिसके बारे में आपको बता देता हूं। तो चलते हैं जल्दी से अंदर, देखते हैं किस तरीके से काम किया गया, जानते हैं छत के ढलाई तक कितना बैक सीमेंट अब तक इस घर में लग चुका है। दोस्तों, चलेंगे फ्रंट की तरफ भी, लेकिन यहाँ पे जो छज्जा निकाला गया है उसको भी आप देख लीजिए कि लगभग 3 से 3.5 फीट के आसपास तक इस तरीके से छज्जा निकाला गया है ताकि ऊपर वाला तला में बालकनी का काम किया जा सके। और इधर का भी जो साइड का विंडो है बिल्कुल सिंपल वे में यहाँ पर रखा गया है। तो दोस्तों, यहाँ से इस घर के लिए आप साइड व्यू और फ्रंट व्यू के बारे में अच्छा तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 फीट, यहाँ से लेकर यहाँ तक 40 फीट, 1200 स्क्वायर फीट में बनता हुआ घर है। हालांकि सामने की तरफ भी एक्स्ट्रा यहाँ पे छज्जा निकाला गया है लगभग 3.5 फीट के आसपास तक का, साइड में भी छज्जा का काम किया गया है। यहाँ पर घर के लिए सीढ़ी है, मेन एंट्रेंस है, यहाँ से एक सुंदर सा विंडो का काम किया जा रहा है। चलते हैं घर के अंदर और छत के ढलाई तक कितना सीमेंट लगा है इसके बारे में अभी आप लोग को बता देता हूँ। लेकिन अंदर जो डिज़ाइनिंग किया गया है, जिस तरीके से काम किया जा रहा है उसके बारे में अगर आप जान लेते हो तो आपके लिए समझना अपने बनने वाले घर के लिए और भी आसान हो जाएगा। तो कुछ इस तरीका से इस घर के लिए फ्रंट व्यू का काम है वो किया जा रहा है। चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं कि अंदर में किस तरीके से यहाँ पे डिज़ाइनिंग किया जा रहा है। यहाँ पे इस घर के लिए सीढ़ी है, यहाँ पे इस घर के लिए मेन एंट्रेंस है। जैसे ही आप घर में एंटर करते हो यहाँ पे आपको मिल जाता है हॉल वाला एरिया, उसके साथ पहला यहाँ पे विंडो, इसके साथ इधर दूसरा विंडो। थोड़ा और आगे चलते हैं तो आपको इस घर के लिए मिल जाता है डाइनिंग एरिया लगभग बीचों बीच। इधर इस घर के लिए बनाया जा रहा है किचन, यहाँ पे कॉमन टॉयलेट और बाथरूम, इसके साथ में उधर पहला रूम 14 फीट पे 12 फीट के आसपास का साइज़ का, ये जो पहला रूम है उसका साइज़ भी 14 फीट पे 12 फीट के आसपास तक का साइज़ यहाँ पे निकाला गया है। 2 बेडरूम के साथ में हॉल, अलग से डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट, बाथरूम के साथ सीढ़ी वाला बनता हुआ घर है। डबल विंडो के साथ में काम किया जा रहा है। हालाँकि इस रूम में इजिली आप देख पा रहे हो कि छज्जा भी लिया गया है, दोनों रूम में कुछ इस तरीके से छज्जा का काम भी कर लिया गया है। फर्श वगैरह बनाने का काम पूरा काम अभी तक बाकी है, आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से छत के ढलाई तक का जो काम है वो किया गया है। एक बात और आप याद रख लीजिएगा कि घर का अंदर का जो दीवाल है वो सारा 5 इंच के साथ में यहाँ पर जुराई का काम किया गया है, हालाँकि बाहर का जो दीवाल है वो 10 इंच के साथ में यहाँ पर रखा गया है। अगर आप अंदर का दीवाल भी 10 इंच के साथ रखते हैं तो आपका थोड़ा ज़्यादा सीमेंट लगता है, ज़्यादा ईंट भी आपका लगता है। तो इस तरीके से इस घर के लिए छत ढलाई तक का काम कंप्लीट किया जा चुका है।
तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरीका से इस घर के लिए काम किया गया। आप जान लेते हैं कि आखिर इस घर का जो काम है उसको छत के ढलाई तक करवाने में अब तक टोटल कितना बैग सीमेंट लग चुका है। तो इस घर के ठेकेदार के अनुसार इस घर को बनाने में अब तक 360 बैग सीमेंट लग चुका है। हमारे यहाँ 350 बैग के हिसाब से रेट अभी चल रहा है। अगर सिर्फ सीमेंट में लगा हुआ खर्च के बारे में बात कर ली जाए तो 360 को अगर आप 350 से गुना करते हो तो 1,26,000 के आसपास में आ जाता है। मतलब 1,26,000 के आसपास में सिर्फ सीमेंट में खर्चा अब तक हो चुका है। बहुत ही जल्द इस घर में जो ईंट लगा हुआ है उसके बारे में बता दूंगा, और इसके साथ जो सरिया लगा गया है इसके बारे में बता दूंगा। हालांकि कॉलम के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, क्योंकि सीमेंट का जो खपत होता है वो जोराई में, उसके साथ छत के ढलाई में, उसके साथ कॉलम और बीम में भी लगता है। तो आपने जो सपोर्टिंग बीम देखा था उसे 9 इंच बाई 9 इंच के आसपास के साइज में रखा गया था। हालांकि जो कॉलम है वो 9 इंच बाई 12 इंच के साइज में यहाँ पर लिया गया है। साथ में इस घर के लिए जो छत का ढलाई किया गया लगभग 4.5 इंच मोटा छत का ढलाई किया गया, उसके साथ साथ पट्टी बीम के साथ में कुछ इस तरीके से स्लैब का काम भी यहाँ पे किया गया। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप अपने बनने वाले घर के लिए प्लानिंग कर रहे हो और नक्शा बनवाना चाहते हो हमसे, तो डायरेक्टली आप बात करते हुए आप अपने बनने वाले घर के लिए नक्शा मुझसे बनवा सकते हो। नंबर चैनल के अबाउट सेक्शन में दिया गया है। तो बहुत जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले दीजिए इजाज़त। नमस्कार।